तो दोस्तों फाइनली ओप्पो K5 लॉन्च होने वाला 17 अक्टूबर को चाइना के अंदर। और दोस्तों लॉन्च से पहले स्मार्टफोन का लगभग हर एक स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुका है। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल्स का क्वाड रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा। और उसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको 20,000 रुपीस के अंडर ही देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और कब तक इस स्मार्टफोन को कितने प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइन से। तो दोस्तों ओप्पो K5 में देखने को मिलने वाला रियलमी XT के जैसा ही बहुत ही बेहतरीन ग्लास फिनिशिंग का डिजाइन, जो कि आने वाला है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि प्राइमरी 64 मेगापिक्सल्स के कैमरे के साथ आने वाला है। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला एक बहुत ही बेहतरीन छोटे से नॉच के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट, जो कि बहुत ही अल्ट्रासोनिक और फास्ट काम करता है। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। और जैसा कि रेडमी K20 में हमें देखने को मिला था, तो दोस्तों अगर आप रेडमी K20 परचेस करने की सोच रहे थे तो आप थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि दोस्तों ओप्पो K5 का स्टार्टिंग प्राइस आपको 20,000 रुपीस के अराउंड ही देखने को मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक अच्छे स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे थे तो आप इस स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 4000mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करता है VOOC 4.0 फास्ट चार्जिंग को, जो कि आपके फोन को विद इन 1 आवर फुल चार्ज कर देगी, जो कि सपोर्ट करता है 30W के फास्ट चार्जिंग को। और उसके साथ ही दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की कैमरे की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के रियर साइड में देखने को मिलने वाला 64 मेगापिक्सल्स का क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जो कि प्राइमरी 64 मेगापिक्सल सैमसंग GW1 के सेंसर के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल्स का एक माइक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। तो फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला 20,000 रुपीस के अराउंड, जो कि आने वाला 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन का हायर वेरिएंट आपको 24,000 रुपीस के अराउंड देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट, जो कि आने वाला कलर OS 6.1 के साथ। एंड फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को अक्टूबर 17 को चाइना के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है। उसके बाद इस स्मार्टफोन को इंडिया में नवंबर के महीने तक लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कंफर्म लीक्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव